चलिए आज हम लोग एक मिक्सर मशीन को पूरा असेंबल करके देखेंगे, पूरा फिटिंग करके देखेंगे कि किस प्रकार से मिक्सर जो मशीन होती है उसके क्या क्या पार्ट होते हैं, अलग अलग खरीद करके हम किस प्रकार से असेंबल कर सकते हैं, ज़्यादा पैसा लगाने से बच सकते हैं, और अगर मशीन किसी कारण से खराब हो जाए तो कैसे हम रिपेयर कर सकते हैं, कैसे उसका कनेक्शन कर सकते हैं, पूरा कंप्लीट इस मिक्सर मशीन के देखिए, देख रहे हैं कि सारे पार्ट इसके एक एक स्क्रूप अलग हैं, तो कंप्लीट हम इसको आज चला करके आपको दिखाएंगे कि कैसे यह कार्य करता है। सबसे पहले बात करें, देखिए सबसे नीचे ये पॉइंट होता है मिक्सर मशीन में, जो सबसे नीचे जो इसका बेस है यानी इसी के ऊपर रखा जाता है, और इसके अंदर देखिए एक पार्ट ये है जो हमने पहले से लगा दिया, इसको ओएलपी के नाम से जाना जाता है, ओवरलोड, यानी देखिए यहां पर देखिए ये पीछे की तरफ निकला होता है, ये एक बटन की तरह ऐसे होता है, तो ये ओवरलोड होता है, यानी ये क्या कार्य करता है, अधिक लोड पड़ने पर ऑटोमेटिक कट कर देता है सप्लाई को, और नॉर्मल होने पर अपने से चालू भी कर देता है। और जिस प्रकार से सभी में हमारे तार जोड़ने के लिए दो पॉइंट होते हैं, इसमें भी तार जोड़ने के लिए टोटल दो ही पॉइंट होते हैं, एक से इन दूसरे से आउट कराते हैं, किसी से इन किसी से आउट करा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ओएलपी। अब हम बात करते हैं दूसरे पार्ट की, ये हमारा देखिए इसका मेन कवर है जिस पे हमारा लगेगा मोटर वगैरह, और इसके अंदर एक स्विच लगती है, देखिए स्विच को भी हमने पहले से लगा दिया, ये इसलिए लगा दिया ना कि आपकी टाइम थोड़ी सी बच जाए। यहां पर देखिए स्विच में कुछ नहीं है, आप देख सकते हैं जैसे सभी स्विच लगाते हैं ये ऊपर एक स्क्रू नट टाइट करके, वैसे इसको हमने टाइट कर दिया है, और ये स्विच पीछे से देख पाएंगे कुछ इस प्रकार से दिखती है। स्विच में तार जोड़ने के लिए टोटल अगर आप देख पा रहे होंगे तो पांच पॉइंट दिख रहा है, जिसमें एक पे जीरो लिखा होता है जिसका कोई मतलब नहीं होता है, ये फ्री होता है, और एक पे फेस लिखा होता है यानी ये फेस का पॉइंट है, यानी जो फेस की सप्लाई आएगी वो इसमें इन कराया जाएगा। उसके अलावा इसमें एक दो और तीन लिखा है, एक दो और तीन यानी एक नंबर पे लो का सप्लाई दिया जाएगा, दो वाले पे मीडियम का, और तीन नंबर वाले पे हाई का दिया जाएगा। तो ये हो गया हमारी स्विच, और इस स्विच को हम बोलते हैं रोटरी स्विच। रोटरी स्विच क्यों बोलते हैं, क्योंकि हर वो स्विच जो गोल में घूमते उसे हम रोटरी स्विच कहते हैं। देखिए ये इसका कवर हो जाएगा, और अगर हम इसको अभी इस पर लगा देंगे तो लगाने के बाद देखेंगे ऐसे ये लो मीडियम और ये हाई, ये हमारा खटका वाला काम करेगा। तो रोटरी स्विच ये हो गई हमारी, इसमें हम हाई मीडियम लो का कनेक्शन करेंगे, कनेक्शन करके भी अभी हम आपको दिखाते हैं, हो गई। और इसके बाद अब हमें इसको इस पे लगाना है, तो इसको लगाने से पहले हम क्या करेंगे, मोटर लगा लेंगे और इसमें कनेक्शन कर लेंगे तो आसानी होगी हमें जोड़ने में। तो सबसे पहले ये देखिए हमारे मिक्सर मशीन का मोटर है, और मोटर के अंदर से अगर हम वायरों की बात करें तो टोटल तीन तार यहां है, एक तार इधर अलग है। ये जो अलग तार है ना, ये जो एक तरफ हमारा अलग तार है, इसमें एक सप्लाई दिया जाएगा, यानी कि समझिए ये न्यूट्रल है, यानी कि कॉमन है, इसमें हम न्यूट्रल की सप्लाई दे देंगे। और ये जो तीनों एक तरफ है, ये हाई मीडियम और लो का वायर है, यानी ये रोटरी स्विच में जाएगा, और ये हमारा न्यूट्रल का संपर्क है, समझिए। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस मोटर को यहां पे लगा लेते हैं, और मोटर का देखिए ये जो हमारा शाफ्ट वाला पॉइंट है जो घूमता है ये ऊपर ही रहेगा, जानते हैं। तो इसकी फिटिंग का क्या नियम है, इसके अंदर देखेंगे तो ऐसे ये जो चार छिद्र बने हुए हैं, ये जो चार छिद्र बने हुए हैं, तो ये इन्हीं चारों छिद्रों में ये जो मोटर है ना, मोटर का ये जो पॉइंट देख रहे हैं, ये जगह जगह पे पॉइंट है, ये चारों में जाएगा तभी ये सेट बैठेगा। लेकिन इसको डालने से पहले क्या करना है, एक रबड़ ये आता है, इसको हम ग्रोमेट रबड़ के नाम से इसको भी बोल सकते हैं। ये रबड़ क्या कार्य करता है, इस मोटर को अगर थोड़ा बहुत हिलता है तो उसको एडजस्ट कर सकता है, पूरा जो मिक्सर मशीन है वो हमारी नहीं हिलेगी। तो ये चार रबड़ लगेगा इसमें, चारों में जो चार पॉइंट लगेंगे तो चारों में रबड़ लगा देंगे हम। तो ये हमारे पास चारों रबड़ लगा देते हैं, तो चारों रबड़ को लगाने में देखिए कोई स्क्रूप वगैरह नहीं लगाना है, बस आसानी से ये चारों लगा दिए। और चारों के बाद हमें कुछ ये तारों को जो ऐसा इन तारों को सबको नीचे कर लेना है, नीचे की तरफ। और ये जो कनेक्टर पॉइंट है ये ना, ये सभी में बस एक एक जाना चाहिए, ये किसी भी तरफ हो जाए कोई फर्क नहीं है, बस सभी में एक एक जाना चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये काम करेगा। अब देखिए यहां पर इसको हमने फिट बैठा दिया, देखिए इस प्रकार से ये मोटर हमारा इसमें बैठ गया, सभी के पास ये ग्रोमेट रबड़ भी लग गया और मोटर बैठ गया। मोटर देखिए इस प्रकार से हमारा इसमें लग के बैठ गया। अब हम इसके वायरों की बात करें तो ये मोटर देखिए हमें पीछे से इस प्रकार से दिख रहा है। तो पीछे से अगर हम हाई मीडियम लो की बात करें तो इसके अंदर जो रेड वाला था वो हाई था, तो हाई वाले को हम क्या जोड़ेंगे, इसको हम सीधे तीन नंबर में जोड़ेंगे, यानी कि ये जो स्विच का तीन नंबर पॉइंट होगा उसमें जोड़ेंगे। और ये जो पीला वाला था ये मीडियम था, तो मीडियम को हम दो नंबर में जोड़ेंगे ताकि जब दो नंबर पर सप्लाई आए तो ये मीडियम वाला चले। और इसके बाद हम आपको अभी नजदीक से दिखाते हैं, इसके बाद जो हमारा ये एक नंबर है इसको हम लो में जोड़ेंगे ताकि जब हम मिक्सर मशीन को ऑन करें ना पहले खटके में तो ये लो पे चले, ऐसा नहीं कि पहले ही हाई पे चलने लगेगा, यहां पे कनेक्शन उल्टा हो जाएगा तो पहले ही हाई पे चलने लगेगा। तो इन तीनों को बस यहीं पे नॉर्मली जोड़ देना है, और जो हमारा फेस की सप्लाई आएगी वो यहां पे स्विच रोटरी स्विच के फेस वाले में इन करा लिया जाएगा बस, और इसके अंदर का एक पॉइंट खाली छोड़ दिया जाएगा। और ये देखिए एक तार ये जो बचा है जिसमें हमारी सप्लाई आएगी, तो ये सप्लाई कौन सी हमारी आएगी, मेन लीड की, यानी कि हम न्यूट्रल की सप्लाई देंगे। तो न्यूट्रल की जो सप्लाई है वो डायरेक्ट इसमें देने से पहले देखिए ये हमारे पास मेन लीड है, ये जो हमने ग्रीन कलर
मिक्सर का जो वायर रखा है ये हमारी मेन लीड है, तो मेन लीड को सबसे पहले हम ओएलपी में दे देते। ओएलपी क्या करती है, कट करती है ना, तो सबसे पहले ओएलपी में दे देते। यहां पर हमने पहले से थिंबल लगा के रखा हुआ है, एक पॉइंट को हम ओएलपी में दे देते हैं और यहां से हम थोड़ा सा ये टेप लगा दिए थे तो हम इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। एक तार को हमने यहां पे ओएलपी में जोड़ दिया और दूसरी तार को जो हमारी रोटरी स्विच है उसके फेस वाले पॉइंट में जोड़ देते हैं। यहां पर देखिए हम फेस वाले पॉइंट में जोड़ देते हैं, इसमें फेस लिखा होता है और एक पे जीरो लिखा होता है जिसको हमने खाली छोड़ दिया, तो एक को फेस जोड़ दिया, ये हाई मीडियम लो यानी 1 2 3 में जोड़ दिया और ये जो मेन लीड आई हमारी बाहर से एक को हमने ओएलपी में जोड़ दिया और एक तार को यहां पे रोटरी स्विच में जोड़ दिया। अब ये जो ओएलपी का दूसरा पॉइंट है ना, इसके अंदर हमने बताया था कि न्यूट्रल की सप्लाई दिया जाएगा, तो इसी को हम इसमें जोड़ देते हैं ये ओएलपी के दूसरे वाले पॉइंट में, यानी कि मेन लीड से जब सप्लाई आएगी तो सबसे पहले ओएलपी में आएगी, ओएलपी उसको आउट करेगा तो इसको न्यूट्रल मिलेगा यानी कॉमन मिलेगा और जो दूसरा हमारा फेस वाला पॉइंट है वो देखिए यहां पे रोटरी स्विच में गया और ये समय समय से हाई मीडियम लो पे सप्लाई देगा। तो इस प्रकार से हमारा ये तो हो गया कनेक्शन। यहां पर हम वायर में थोड़ी सी गट्टी मार देते हैं, गट्टी मारने से क्या होगा ये वायर बाहर नहीं निकलेगा। यहां पे मेन लीड लगाना चाहिए था लेकिन हम इसी वायर को लगा करके सिर्फ वीडियो बनाने के लिए चला रहे थे तो इसको लगा करके हम कंप्लीट कर देते हैं। यहां पर देखिए हमने एक गट्टी बना दिया ताकि ये खिंचाने से बाहर ना निकले और यहीं पे लगाने के लिए जगह होगा। इसमें देखिए हम इंटीग्रेटर भी लगा सकते हैं। ये जो इंटीग्रेटर हमारा देखिए सीधे दो तार निकले हुए, न्यूट्रल फेस मिलेगा तो ये जलेगा, तो इंटीग्रेटर अगर हमें इसमें जोड़ना हो तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो हमारा मेन तार गया हुआ है ये दोनों जहां गया वहीं जोड़ देंगे, मतलब इसको न्यूट्रल और फेस दोनों डायरेक्ट चाहिए, मतलब कि एक हम यहां ओएलपी में जोड़ेंगे और एक अपने इस रोटरी स्विच के जो फेस वाला पॉइंट है उसी में जोड़ देंगे, तो ये इंटीग्रेटर डायरेक्ट बताएगा कि पावर आ रही है कि नहीं आ रही है। लेकिन अगर ओएलपी के कट करने पर अगर आप चाहते हैं कि इंटीग्रेटर भी ना जले तो ओएलपी के आउट वाले में जोड़ना पड़ेगा। इस प्रकार से इंटीग्रेटर लगा सकते हैं, लेकिन अभी हम इंटीग्रेटर नहीं लगा रहे क्योंकि इंटीग्रेटर लगाने के लिए थोड़ी सी इसकी बॉडी को काटना पड़ेगा, कहीं पर इसमें जगह बनानी पड़ेगी, तो हम इसको अभी नहीं लगा रहे, इसको रोक दे रहे हैं। और इसके अलावा इसके कवर को अब हम देखिए पैक कर दे रहे हैं, यहां से लगा करके इसको हम पैक कर दे रहे हैं, तार जो है वो हमारा यहां से बाहर निकला रहेगा। और इस प्रकार से देखिए हमने मिक्सर मशीन को इतना बना दिया, ये इतना कंप्लीट कर दिया। अब इसके ऊपर का क्या होता है, ये इसके ऊपर होता है बॉडी। देखिए ये जो मोटर है ना ये किसी भी स्क्रू पे टाइट नहीं है, अभी नॉर्मली बस रखा हुआ है। अब इसके ऊपर का ये वाली बॉडी हम इसमें लगाना है, ये बॉडी लगाने के लिए देखिए ये इसके अंदर स्क्रू टाइट करने के लिए जगह भी बना हुआ है, तो इसके अंदर जो स्क्रू टाइट करने के लिए जगह ये देख करके हमें लगाना है कि इसमें भी ऐसे ऐसे जगह बना हुआ है, चार इन्हीं जगहों पे ये लगना चाहिए। तो यहां पर देखिए ये बीच का रोटर निकाल करके और चारों को ध्यान दे करके हमें लगा देना है कि ये सही जगह पे पहुंचे ताकि स्क्रू को टाइट करने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो यहां पर देखिए हमने इसको बैठा दिया पूरी तरह से, ये इसमें बैठ गया। अब हम इसको स्क्रू लगा करके अंदर से टाइट कर सकते हैं, यहां नीचे से उठा करके थोड़ी सी टाइट करना पड़ेगा, तो यहां से हम इसको टाइट कर सकते हैं। तो जब हम इसको टाइट कर देंगे पूरी तरह से उसके बाद देखिए हमने आपको पहले दिखाया कि ये इसके अंदर ग्रोमेट रबड़ भी होता है। ग्रोमेट रबड़ क्या होता है, ये सबसे नीचे ये जो पैर है ना इसके चारों यहां पे लगता है ताकि ये इसका संपर्क सीधे ये जमीन से ना रहे, सबसे नीचे रबड़ रहता है यानी करंट वगैरह उतरने का भी डर ना रहे, कोई दिक्कत ना हो, ये जमीन के संपर्क में ना रहे कुल मिलाकर के। तो इसके ऊपर अब इसके ऊपर इसमें क्या लगता है, देखिए एक रबड़ एक और यहां पर लगा हुआ है, इसके अंदर सारे स्क्रू को हम बाद में टाइट करेंगे, उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन हम फाइनली इसको चला करके आपको दिखाएंगे। तो देखिए एक रबड़ ये लगा होता है, ये जो रबड़ होता है यहां पर देख पाएंगे इसका जो ये मेन शाफ्ट है ना मोटर का उसी में लगा होता है, मेन शाफ्ट में यहां पर हम इसको लगा देंगे और लगाने के बाद इसके ऊपर ये कपलर बोला जाता है, इसको कपलर, ये कपलर को लगा करके देखिए इसमें ऐसे नीचे अंदर की साइड में कॉपर का बना हुआ है, इसमें चूड़ियां होती हैं और इसको लगा करके हम इसमें टाइट कर देंगे। और ये जो टाइट होता है ना इसमें ये उल्टी दिशा में टाइट होता है, उल्टी तरफ में यानी कि उल्टी दिशा में टाइट होता है, और जब ये चलता है तो सीधी दिशा में चलता है। अगर ये सीधी दिशा में टाइट होता तो क्या होता कि जब ये लोड देते तो ये खुल जाता, खुल करके निकल जाता है, इसलिए ये उल्टी दिशा में हमने इसको टाइट कर दिया। टाइट करने के बाद अब क्या है, देखिए ये सारे पार्ट तो हमारे लगाए दिए गए, ये ग्रोमेट रबड़ हमने छोड़ दिया है, स्क्रू अभी सारे हमारे टाइट करने बाकी है और इसके अंदर इंटीग्रेटर हमने नहीं लगाया। अब हम अगर इसको चला करके दिखाना चाहे तो चला सकते हैं, चालू कर सकते हैं। ये देखिए हमारी जो मेन लीड है ये पावर बोर्ड है और यहां पर देखिए ये हमारा इसका मेन लीड है। मेन लीड को हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले पावर देते हैं, चलिए स्विच को ऑफ करते हैं और इसमें हम पावर देते हैं। पावर दे दिया हमने, देखिए यहां पर दोनों में हम पावर देते हैं, हम इसको पावर देते हैं और स्विच को ऑन करते हैं। जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे इस मोटर तक पावर आ गई होगी अगर ये वायर सही से लगा है तो। अब हम क्या करेंगे, यहां से हम इसको सप्लाई को ऑन करेंगे, जैसे ही ऑन करेंगे मोटर ये लो स्पीड में पहले चलेगा, तो देखिए अभी ये नहीं चल रहा है, नहीं चलने का मतलब यही हुआ कि ये पावर यहां से सही से नहीं लगी है। इसको हम फिर से यहां पर लगा देते हैं, खोज देते हैं, देखते हैं।
तो यहां से देखिए हमने पावर दिया, स्विच को ऑन करते हैं और ये देखिए हमारा मोटर चालू हो गया। ये जो स्विच है ना पहले से ही घुमाया गया था, पावर को आगे किया गया था, तो यहां पे देखेंगे ये कि ये हमारा चालू हो गया। तो इसको हम बंद कर देते हैं, बंद करके अब हम आपको एक ये जार लगा करके भी दिखा देते हैं ये किस प्रकार से कार्य करता है। चलिए छोटा वाला लगाते हैं। तो देखिए इसको लगाने के लिए ये कटे कटे खाने हैं और यहां से ये कटा हुआ पॉइंट है, ये कटे हुए पे जाएगा तभी जा करके यहां बैठेगा। थोड़ा सा इसको सीधा लगा करके थोड़ा सा घुमा देना होता है, बस ये बैठ जाता है। अब हम अगर इसको चालू करके दिखाएं तो देख पाएंगे ये कुछ चल रहा बहुत ही तेज गति से, और ये भी चल रहा अभी मेज पे रखा हुआ है तो ये आवाज कर रहा है। तो इस प्रकार से ये हमारा जो मिक्सर मशीन है वो कार्य करता है। तो इस तरह से हमारा मिक्सर मशीन बढ़िया तरीके से कार्य कर सकता है। आप भी मिक्सर मशीन में बना सकते हैं, कोई भी कनेक्शन वायरिंग में कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत ही हल्का सा है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप किसी भी प्रकार का अगर सवाल या सुझाव है मिक्सर मशीन से रिलेटेड तो कमेंट करके बताइए। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।